बेबी जी, ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों. फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण. वैसे वो कारण आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आया होगा, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टाइटल क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका टाइटल बेबी क्यों होना चाहिए. बहुत ही एक थ्रिलर फिल्म है, बहुत इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी जो कहानियां आप देखेंगे इसके अंदर एक असल जिंदगी से मिलती जुलती कई चीजें हैं जो निकाल के इसको पिरोई गई है. और बस इसके बारे में ज्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाता हूँ क्योंकि मजा निकल जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल बेबी क्यों है वो आपको फिल्म देख के ज्यादा करके पता चलेगा. बहुत नहीं, दैट वाज बेस्ड इन 1987 वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. And the genre is completely different. This is far more in the action genre. It's a thriller. वो चोर बजारी वाले के लोगों के थी और ये चोर जो होते हैं उनको पकड़ने वालों के. इस पर कितने? हाँ सर, questions. आज हर चीज में पॉलिटिक्स घुस गई है, तो क्या इस फिल्म की मेकिंग के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? बेटे ये कोई पॉलिटिशियन ने फिल्म नहीं बनाई है, ये लोगों ने बनाई है, तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, इसके कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी. तो कश्मीर पे बनी है तो इसके लिए? नहीं, कश्मीर पे देखिए, ये आपने पूछा कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स घुस गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. हाँ, फिल्म जो है वो काफ़ी कुछ, जैसा आपने मुद्दा कहा, उस मुद्दे पर भी है, बहुत सारे और मुद्दे पर भी है. और जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये असल कहानी के ऊपर आधारित है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियाँ ले लूँ के इसको बनाई गई. और बस यही, तो इसके अंदर लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं. ऑडियो ऑडियो का स्टाइल अलग है, लेकिन ये फिल्म हॉलीडे से कितनी डिफरेंट है? जी बहुत अलग है. उसके अंदर मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले करता हूँ उसको, और इसके अंदर इट्स बेसिकली आई वुड से ब्लैक कॉप. ही वुड से कॉल इट एज अ ब्लैक कॉप बिकॉज बेसिकली प्लेइंग अ कवर्ट इंटेलिजेंस ब्लैक कॉप पर्सन. एंड every film is bound to be different from another in a generation, so I mean it doesn't have to be that we have to try very hard to make it different. aapne dekha trailer, I think it looks very different from Akshay sahab. idhar aap ji, दो सवाल आपसे पूछूंगा, एक सवाल डैनी साहब से पूछूंगा. पहला सवाल ये कि फिल्म के आखिर में, उस ट्रेलर के आखिर में हम ये देखते हैं कि आप लगातार मुक्के जो है वो मारते चले जा रहे हैं. कहीं ना कहीं ऐसा एक मैसेज फिल्म के इस ट्रेलर के बिल्कुल आखिर में है, उस मैसेज को थोड़ा सा रिवील. जो बात कोई ऐसा नहीं मानता है, बातों के भूत लातों से मानते हैं, और बस यही मैसेज है. कोई माने नहीं तो घूसे मार मार के उससे बातें निकलवाओ, लाते मारो, क्योंकि यही ऐसा ही है. आजकल थोड़ा बहुत ऐसा बहुत करना पड़ता है कि चीजें निकालने के लिए. ये मैसेज, यही मैसेज है. आपने फिर शुरू कर दिया. आपको मैंने कितनी बार मना किया, जो पूछना आप अकेले पूछ लेना, आपके अलग अलग चीजें रहती हैं, इनके प्रश्न कमाल के होते हैं. पहले मैं खत्म कर देता हूं उनका. क्या ये मैसेज नहीं है कि देश के जो दुश्मन हैं उनको तब तक जो है वो थ्रैश करते रहा जाएगा जब तक वो देश के दुश्मन बने रहेंगे? सर मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? देश के जो दुश्मन हैं, जो आतंकवाद को फैला रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो एंटी नेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको तब तक देश का जो सिस्टम है वो तब तक घूसे मारता रहेगा जब तक वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते. तब तक वैसे
ऐसे ही रहेगा मतलब। डैनी साहब आपसे एक सवाल, आप काफी चुनिंदा फिल्में करते हैं, फिल्में जो हैं आपकी काफी सिलेक्टिव आप फिल्में करते हैं, ये खास तौर पे फिल्म आपने क्यों चुनी? ये आई हैड सीन वेंसडे, मुझे इनका काम बहुत पसंद आया था और जैसे ये ऑफर आया आई वॉन्टेड टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आई लव द स्क्रिप्ट, और इसमें जो पार्ट मुझे दिया गया है वो भी काफी अच्छा खासा है, सो आई लव्ड इट, दैट वाज द रीजन, इट्स अ ब्यूटीफुल। अक्षय साहब एक सवाल थोड़ा सा फिल्म से हटके, आपके दोस्त से जुड़ी हुई है, हनी सिंह के साथ आपका काफी ज्यादा रابطہ रहा है, कहाँ है वो आजकल, कुछ आपसे रابطہ है, कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से वो सीन में नहीं है। इसके बाद मैं आपको श्वेता बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से, आपके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, आपसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है, वो किस पर्पज के लिए आपने ये फिल्म बनाई? वेल देयर वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी टोल्ड एंड उसके अलावा और कोई पर्पज होता नहीं है फॉर अ स्टोरी टेलर, दैट कि आप उस कहानी को बोलना चाहते हैं, एंड इट सीम्ड लाइक अ फैंटास्टिक आइडिया, लाइक अ फेयरली डूएबल स्क्रिप्ट, सो वी वेंट अहेड एंड डिड इट। और क्या हम जो माय प्रीवियस फिल्म्स देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा टू, क्या हम वो जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अक्षय जी ने कहा कि बहुत सारी फिल्में रियलिटी से बहुत सारी अलग अलग चीजें ली गई हैं और उसके बाद ये कहानी बनाई गई, तो जो कहानी हम अगर हम दाऊद को देख रहे थे या अगर हमने मसूद अजहर को देखा है या जकीरुर रहमान लखवी को हमने देखा है उनके बारे में सुना है, तो ये कहानी सबका मिश्रण लेके कोई कहानी बनी है या ये किसी ये आप तय करेंगे देखने के बाद। वी वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी, वी हैव टोल्ड अ स्टोरी, बट दिस इज समथिंग फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड टू पुट द पीसेस टुगेदर। अच्छे आपसे एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एंटी आपकी हॉलीडे फिल्म आई थी जो लोगों को सेना के बारे में थी, और हाल फिलहाल में रियलिटी में आईएसआईएस का बहुत सारा आकर्षण देखने को मिला है और कुछ भारतीय लड़के भी वहां गए थे, तो क्या ऐसे फिल्म देखने के बाद उनके लिए भी कोई मैसेज होगा इस फिल्म में? या बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं बिल्कुल, ऑब्वियसली ये हम सब ने इस ट्रेलर को देख के महसूस होता है कि ये टेररिज्म के ऊपर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं, ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। के ट्रेलर है जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, आपको नीरज अगर आप भी इसका आंसर दे सके तो, ऐसा क्या था, लोग ट्रेलर देख के फिल्म का वेट करते हैं बट इस ट्रेलर के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे और ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो ऐसी क्या खासियत है जो लोग इतने एक्साइटेड थे इसके लिए? ऐसी क्या एक अच्छी बात है, कोई अगर ट्रेलर ट्रेंड करता है लोग एक्साइटमेंट रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, अब उसका कारण तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन एक हो सकता है कि इनकी जो पहली फिल्में हैं जैसे कि वेनसडे हैं, स्पेशल 26 है, तो लोगों को ये भी लगा होगा कि ये भी बहुत अच्छी होती है फिल्म, ये भी बहुत अच्छी होगी फिल्म, तो इसलिए शायद ट्रेंड कर रही होगी, बहुत सारे और कारण भी होंगे शायद, हमारी 100 फिल्में इनके लिए हैं फॉर दैट मैटर सर, 130 तो बहुत सारे कारण होते हैं, और इतनी अच्छी स्टार कास्ट है और हमारे साथ डैनी साहब हैं जो बहुत चुनी हुई फिल्में करते हैं और साथ में बहुत बड़े कैमरामैन है हमारे साथ, एंड सो बहुत सारे कारण मिल मिला के ट्रेंड का कारण हो सकता है। नीरज हियर, नीरज यू हैव कास्ट अ पाकिस्तानी एक्टर इन दिस मूवी, आई थिंक एज द हेड ऑफ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, सो वाज इट इजी कन्विंसिंग हिम? वेल ही रेड द स्क्रिप्ट अगेन एंड डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, देयर वाज नो नथिंग टफ और इट वाजंट टू टाइम कंज्यूमिंग ईदर, उन्होंने अपना पार्ट पढ़ा, उनको पसंद है एंड ही एग्रीड टू डू इट। अक्षय, a question for you. You have played a cop in many movies. Recently, Modi made a statement that Bollywood films has portrayed policemen in the wrong light. Do you agree with him on the same? I don't know the kind of cop I have played. It has been portraying in the right way. And sometimes it's just a character and not to take a film so seriously. That's it. अच्छा अक्षय, हमने कहीं पे पढ़ा कि आपकी इस फिल्म के लिए यहाँ पे अक्षय सर टू द सेंटर ओवर हियर जस्ट टू द राइट, इस फिल्म के लिए कोई सीक्वेंस के लिए 25 शूट्स आपने किए हैं, ऐसे हमें
25 शूट्स, हाँ, एज इन 25 शॉट्स आपने इस फिल्म के लिए किसी सीक्वेंस के लिए करना पड़ा, तो मेरी जिंदगी में मैंने 25 बार रीटेक नहीं दिया भैया, ऐसा आप नाम मत खराब करें, तो ये फेक है। ऐसा नहीं है यार, मैंने इस फिल्म को मैंने करीबन कितने 42 दिन में 42 डेज में 45 डेज में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं किया कुछ भी। राणा, Well, it all, ये तो बाद में ही तय होगा, जब फिल्म रिलीज होती है लोगों को अच्छी लगती है तो, वैसे तो कई फिल्में होती हैं जो मैंने एक्शन बहुत किया होता है कभी नहीं चलती हैं, तो फायदा क्या होता है, कभी कभी बेसिकली एक्शन वही एक्शन अच्छा होता है जब टाइम पे आए, एक चपेड़ भी अगर टाइम पे आ जाता है स्क्रिप्ट के हिसाब से तो वो सबसे बढ़िया एक्शन माना जाता है, तो उसी हिसाब से इस फिल्म का भी एक्शन अगर सही टाइम पे आए और आप लोगों को पसंद आए, ऑडियंस को पसंद आए, तो सबसे बढ़िया एक्शन कहला जाएगा। राणा, it's good to see you back in action Bollywood again. How was it working with Akshay Kumar? We hear that you've done some great action sequences along with him. Thank you. I think Neeraj picked me for doing that. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's where I came on board. But then, yeah, it was immense pleasure in terms of working with the entire team, and shot in some mad places at mad conditions. And yes, it was a lot of fun, and so thank you very much. कह के मैनन साहब, इसमें न्याय नहीं मिला आपको, इस बार भी न्याय नहीं मिला, आप इतना मेहनत किया आपने, कसाब तो कैसी दिया गया है? हाँ, ये जिंदगी ऐसी है, क्या करें। क्या हो क्या रहा है ये अंदर, क्या है कैरेक्टर, क्या है इसमें, इस पूरी फिल्म में? जैसे कि मैं नॉर्मली फिल्मों में खराब काम ही करता हूँ, सारी अच्छाई मैं जिंदगी के लिए रखता हूँ, तो बस वही है, आई एम द बैड मैन। थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ाइए ना, बताइए। कसम अक्षय कह रहे हैं कि कसब से बैड है। वो कौन सा किरदार है के साहब, वो बताना चाहें? यहां से, यहां से, यहां से। क्या वो कैरेक्टर कौन सा प्ले कर रहे हैं, कसब को एसी दिया गया, आपको क्या दिया गया? मेरा नाम बिलाल है इस फिल्म के अंदर, अभी अभी मैंने ऑफिस रीचेक किया उसके अंदर, वो न्यूज लेटर के अंदर मैं भूल चुका था, तो वैसे एक तरह से क्या कहते हैं बैटमैन है, और क्या कहते हैं इसे, अगर हम रिवील नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। और आप फिल्म का नाम बेबी है और मधुरिमा है और तापसी है, तो आपका किरदार बेबी के साथ टाइटल साथ मैच कर रहा है या सारा क्रेडिट बॉयज लेके गया? इतनी स्मार्टली तुम लोगों ने रिवील नहीं किया, आई गेस इतनी स्मार्टली मुझे भी बोल देना चाहिए, आप मूवी देखिए उसके बाद पता चल जाएगा। बाकी मधुरिमा का ट्रैक आई थिंक वो बताएगी। जी कुछ तो बोलिए, बताओ पिक्चर में सुनेंगे या यहाँ भी सुनेंगे? आई थिंक अगर बताना ही है तो नीरज सर के बाद ही बोलना चाहिए इस चीज को, तो नहीं नहीं सर, नहीं मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज अच्छा, हेलो नीरज सर, हेलो आई एम सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ट्रेलर इज वेरी नाइस एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस फिल्म्स। आई वॉन्ट टू आस्क यू सर, ये फिल्म का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट, ये आपने कब डेवलप किया, आपने सोचा कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, कुछ नई कहानी एक बतानी चाहिए, एंड हाउ वेल डिड यू रिसर्च ऑन इट, क्या किस तरह का आपने रिसर्च किया, एज इट्स बेस्ड ऑन कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज ऑल्सो? हाउ वेल वॉज द रिसर्च दैट यू विल सी से यू सी द फिल्म, सो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट वर्क ऑन दिस फिल्म स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर छत्तीस, सो वट एवर टाइम दैट टुक अबाउट 8-9 मंथ्स टू गेट द idea in shape and then we start to play immediately. Bhushan ji, aapke writing sir, Shweta, ye achanak romance se jee bhar gaya jo action ki taraf chale? Different cheezein bhi experience karni chahiye, and jab Neeraj ji ne ye script sunayi thi mujhe is film mein music ki zarurat hi nahi lagi, matlab Akshay ke mukke ke aage music ki zarurat nahi lagi actually. और एक चीज अच्छा है, आप आज हमने पॉवी टाइम से पढ़ा है, आपने अपने डायरेक्टर की खूब सारी तारीफ की है, क्या ये आपने ऐसा पहली बार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया है या वाकई आपने ऐसा फील किया था बहुतों के बारे में लेकिन कभी लिखा नहीं? आज एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा? जी आज मैंने पढ़ा। आपको लगा प्रमोशन लगता है उसमें? जी मैंने पहली बार कभी किया, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया, मेरा मन किया मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, उसके अंदर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं थी, जो दिल की बात होती है वो कह दी, और अगर दिल से आपको लगी हो तो यही समझ लेना कि प्रमोशन नहीं थी, आपको
लगा उसमें दिल की बात नहीं थी, ये प्रमोशन तो नीरज आप अक्षय के बारे में लिखने वाले हैं? नहीं, मैं फिल्म लिख दूंगा दूसरी, और आई थिंक उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। अक्षय सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, योर राइटिंग फ्रंट। यस मैम। आई जस्ट फ्यू मंथ्स बैक आई जस्ट रेड दैट व्हाइल शूटिंग फॉर दिस इन अबू धाबी यू केम आउट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग विद अ वुडन बीम, सो इफ यू कुड जस्ट टेल अस हाउ हेल्पफुल वाज इट और व्हाट मेड यू डू दैट, व्हाट मेड यू एक्सरसाइज? इट्स जस्ट नथिंग एल्स बट 5 किलो के इट्स बीड्स हैं व्हिच यू एक्चुअली पुट इट ऑन योर कॉलर बोन एंड यू रोटेट इट, इट इज ग्रेट फॉर योर C1 C2 एंड L4 L5 आल्सो फॉर योर बैक, सो बस उसी लिए यूज होता है, इट्स फॉर गुड फॉर योर बैक मसल्स। हाय अक्षय, तानिया फ्रॉम बलूचिस्तान। व्हाट अक्षय, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि आपने 51 डिग्री के टेम्परेचर पे लगातार कंटिन्यू शूट किया है अबू धाबी में, कितनी सच्चाई है इस बात में? और साथ ही आपकी जो क्रू थी वो काफी थक जा रही थी, लेकिन आप लगातार शूट करते ही जा रहे थे। जी, मेरे पास और कोई कोई तरीका ही नहीं था और कुछ करने का, क्योंकि मैडम अब आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ सुन लो यार, आप वहाँ पीछे देख रहे हो, क्या जवाब दूँ आपको मैं, खत्म हो गया। अच्छा, ऐसा है मैडम, कोई और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये सही टाइम रहेगा, क्योंकि ऑफ सीजन था, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ चले गए और फिर कर लिए शूटिंग और हो गई शूटिंग, खत्म हो गई। मधुरिमा है यहाँ पर लेफ्ट, या मधुरिमा, एड वर्ल्ड, फिर टीवी और अब बॉलीवुड, वो भी पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ, अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, आई मीन मैं थैंकफुल हूँ नीरज सर की, अक्षय सर की, जो न्यू कमर को लिया उन्होंने, आई मीन आई थिंक आई एम वेरी लकी एंड ओब्लाइज्ड, और आई मीन आई कैन एक्सप्रेस, मैं स्पीचलेस थी जब मुझे फिल्म मिली, तभी मैं स्पीचलेस थी और आज भी मैं स्पीच बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड एंड अक्षय सर एंड ऑल द एंटायर कास्ट। लकी तो है कि तापसी के रहते हुए भी रोमांस आप अक्षय के साथ कर रही है, राइट? हाँ जी, पर वो स्टंट्स कर रही है, तो दोनों लकी है हम लोग। राना, यहाँ पर दो दो, राना मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर दो दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो आप की पेयरिंग किसके साथ है, क्या तापसी? फर्स्टली आई गॉट कॉन्ड इनटू दिस फिल्म, देन when Neeraj called me, he said it's a film called Baby and Akshay Kumar in it, it had both two beautiful ladies, and I got damn excited. And only after he said yes, he realized there's no one opposite him. Like always, he didn't read the script again. मैं दोनों actresses. You were opposite Anupam Kher ji. Yeah, that is true. मैं दोनों actresses से पूछना चाहूँगी किसको यहाँ पे baby वाली feeling मिली है pampering? मेरे को तो definitely नहीं मिली, पहले मैं ये बोल दूँ. यहाँ पे. कहाँ पर है? यहाँ लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में, आपके लेफ्ट, आपके लेफ्ट, ये है मेरा लेफ्ट, सॉरी राइट। हाँ, एक सेकंड के लिए मेरे को डर लग गया था कि मैं, मेरा डिसओरिएंटेशन हो गया। हाँ बोलो, बेबी वाली फीलिंग किसको मिली आप दोनों में? शूट करते हुए मेरे को बेबी वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई, आई थिंक दिस वन मस्ट हैव गॉट बेबी वाली फीलिंग। आई नीरज सर वॉज द पैम्पर्ड वन, आई गेस, आई बिलीव दैट। Becomes very easy. Absolutely. नहीं ऐसा, प्रोफाइल क्या है मेरा? अच्छा, नो एक्चुअली इट वर्क्स टू मोस्ट पीपल्स एडवांटेज इफ दे स्पीक लेस, इज माई ओपिनियन. And it was very easy when you're working with seasoned actors, and they seem to be very quick on the understanding, and it saves a lot of time. Plus, you get a great experience also. I would like to add one small thing. Itne silent aur itne serious on set. It's almost intimidating for people. If you see a director, ab ye good bol rahe hain, to wo genuinely wala good hai ki sarcastic wala good hai, wo bhi samajh mein nahi aata. Itne silent. और इतने टू हिमसेल्फ, ही इज रियली रियली क्वाइट ऑन सेट। थैंक यू सर।
Hi guys, Bhavna this side from Z News on your left. मैं जब ट्रेलर देख रही थी तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये बेबी टाइटल क्यों रखा है और बहुत देर से टाइटल को लेके डिस्कशन हो रही है पर आप लोग कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या ये आपका मिशन तो नहीं है बेबी नाम से? देखो इसमें कोई मिशन वाली बात नहीं है, इसमें बेसिकली होता है जैसे कि कातिल कौन है पहले बता दो तो फायदा क्या, इसलिए इसको रोक के रखा हुआ है. इसको मतलब इनको कभी बोला भी नहीं है, हमको किसी ने बोला भी नहीं है कि बताना मत. एक समझदारी वाली बात है, अकल वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बेबी टाइटल है लेकिन उसके अंदर क्या रीज़न है वो अभी फिलहाल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा, तो मज़ा कर कर आप. हेलो अक्षय जी. नो अनफॉर्चुनेटली इट्स पॉजिटिव, दिस इज अ कैरेक्टर. अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं, केके के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और इस फिल्म में एक भी सीन नहीं इनके साथ. मेरा सवाल अक्षय जी से है, आपने आप फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो हैं जिन्होंने 1000 करोड़ का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, उससे ज्यादा, और आप कॉमेडी भी कर चुके हैं, रोमांस भी कर चुके हैं और एक्शन भी कर चुके हैं, तो अब बचा क्या है आपकी, क्या बाकी रह गया, मतलब जो बाकी वो इच्छा. आप बताइए आप क्या देखना चाहेंगे. सही है, आप कुछ ऐसा जो इन तीनों से अलग हो. इन तीनों से अलग कौन सा चीज है? मुझे भी नहीं पता कौन सी चीज अलग होती था है. जिसमें आप भगवान बने थे वो कुछ अलग था, वो तो भी कर लिया. हॉरर नहीं किया, हॉरर नहीं किया, भूलभुलैया कर ली. आप बताओ, भूत बन गया हूँ. एडल्ट कॉमेडी. फिर आप ही लोग पूछोगे भैया एडल्ट कॉमेडी क्यों करते हो आप है? जरूर ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है. हमेशा आई प्रेफर टू, देखिए मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि ये फिल्म मुझे बड़ी के हिसाब से करनी चाहिए. मैंने कई फिल्में एज ए कैरेक्टर रोल भी की हुई है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खाकी जो फिल्म बनी थी उसके अंदर एक्चुअली जो रोल मैंने किया है वो परेश रावल का रोल था, एंड आई क्वाइट लाइक इट, एंड आई He was shocked when I told Rajkumar Santoshi that I want to play that role, and I did it. I don't care about matlab mera kya footage hai, mere kitni this thing. I just do it. If it's a character role also, I love to play a character. Hello, Akshay. Hello. Actually, if देखा जाए तो बात तो सही है. वही हिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सोचने जाओगे समझने जाओगे तब तक तो हिस्ट्री आपके आगे से निकल जाएगी. इट्स बेटर दैट यू केयर डैम अबाउट इट एंड यू गो अहेड एंड आई बिलीव इन दैट. अक्षय सर, आप अपने फैन बेस को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं? बिकॉज जो आपके एक्सपीरियंस के सारे स्टार्स हैं वो सब बच्चों को लेकर काफी मतलब वो होते हैं सीरियस कि उनके फिल्मों में ऐसा कुछ ना हो जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ना देख सकें, तो मतलब ये इरादतन होता है कि अब आप अपनी फिल्मों में. मैं मतलब समझा नहीं मैं सर, मैं जो मतलब कितना कॉन्शियस रहता हूँ. हाँ, मैं कॉन्शियस की बात नहीं, जहाँ कोई चीज जरूरी है वहाँ जरूरी है. जहाँ ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टर से ऊंचे चले जाके बस कॉन्शियस हो जाऊं कि इस बात के लिए कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा या किसी और का पड़ोसी का बच्चा क्या सोचेगा. इफ इट इज इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड इट्स रिक्वायर्ड दैट्स इट. और नियत सर जी आपसे सवाल कि रियल लाइफ में रियल लाइफ स्टोरीज ही क्यों आपको स्ट्राइक और अपील करती है? पीपल रिलेट टू इट, उनको भी शायद देखना अच्छा लगता है, तो मेरा झुकाव उसी तरफ है. तो ये आपका फोर्टे बन चुका है, कभी आप कॉमेडी फिल्म. या आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग नेक्स्ट, एंड फॉर द मोमेंट आई एम कंप्लीटिंग दिस, सी व्हाट हैपेंस. ओके, और आपसी और अधूरीमा को उनको बोर्ड पे लाने का क्या मतलब, उसकी क्या मॉडस ऑपरेंडी है, क्यों आपने इन दोनों को? मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था, हमने उनको कांटेक्ट किया और उनसे बात की गई, उनको उनका रोल समझाया गया और इत्तेफाकन उनको पसंद आया उनका जो कैरेक्टर है और उन्होंने अग्री किया.
यही मोडस ऑफ चलिए दो क्वेश्चन और पूछते हैं राणा ही क्यों मतलब राणा की जगह निकेतन धीर भी हो सकते थे उस कैरेक्टर में नहीं राणा की जगह कोई नहीं हो सकता था सिर्फ राणा ही हो सकते थे एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव दिस एंसेंबल और इट इज आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म राइट फ्रॉम माई टेक्नीशियंस हियर टू द कास्ट दैट इज हियर एंड ईच वन ऑफ देम वॉज सिंपली इररिप्लेसेबल एंड वन वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क ऑन दिस विद देम थैंक यू गाइस एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन एक एक like six questions in one I like this can you start the first one again please I forgot the first question well it is a serious tough so it is yes it is a serious tough strong very intense role that really picked me and chose me for this and you will see a lot of mad action a lot of very real rugged very very well choreographed stuff which obviously he's been a master at all times and so yeah that's pretty much what I did through this film and second question was he's a very comfortable taskmaster so he's very clear in what he wants on that screen we get him quite easily in terms of the way he explains things to us so yes it's been definitely a lot of fun and smooth Akshay Yes, I have seen the thank you guys. Bahut shukriya. And photos ke liye? Ek last question. Last, sir. Last. Okay. Yahan. Hello. Yahan. Sare fans aapki aur Priyanka ki jodi ko dekhna chahte hain. Wo humko kab dekhne milegi? Koi aa jayegi isko? ये नहीं कहा था कि नहीं बन सकते बाकी बहुत वक्त लगता है ऐसे ऐसे टहलते टहलते नहीं बन जाते वो जो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं वो बहुत नकली होती है और आई डोंट एंडोर्स दैट आई बिलीव इन नेचुरलिटी आई बिलीव इन आदमी की फ्यूचर सेहत भी सही होनी चाहिए आज चार अच्छे दिन गुजर जाए उसके चक्कर में आप अपनी एब्स बनाते जाते जाएं और उसके बाद में आपका जो फ्यूचर है वो खराब रहे तो आई डोंट थिंक सो आई थिंक यूथ शुड अंडरस्टैंड दिस एंड आज इतने सारे मीडिया सामने हैं तो मैं सच सच बता देता हूँ कि इट इज नॉट दैट ईजी एंड गो फॉर द नेचुरल वे माँ के खाने पे ज्यादा ध्यान दें रादर की जो प्रोडक्ट होता है उसके खाने पर इट इज वेरी एसेंशियल हमारे जो बाप दादाएं थे 90-90 साल 100-100 साल जीते थे आजकल तो आप अस्पताल चले जाए तो 45, 47, 52 सब लुढ़कते जा रहे हैं ओ मर गया 65 ओ रे बहुत जी गया भाई कैसे हो गया सो वी आर बिकमिंग एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट सो जस्ट बी केयरफुल एंड दैट्स इट दो बेबी है ओके एक बेबी जो दूसरी बेबी बहुत सेक्सी ये अक्षय साहब बताएंगे अभी इसमें कि हुम डज ही परफॉर्म Thank you.
Hold it, you know,